किसी ने खूब कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी शायर की यह पंक्ति एक दिव्यांग बेटी पर बखूबी लागू होती है। जिले के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के चपरा गांव की रहने वाली मंजिश बघेल के हौसलों के सामने दिव्यांग तभी हार मान गई। दोनों हाथ और पैरों से दिव्यांग मंजिश जब हाथ से नहीं लिख सकी तो उसने अपने मुंह में कलम दबाई और लिखना शुरू कर दिया। इसी तरह से इस बेटी ने स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त की। सोमवार को जब यह दिव्यांग इंद्रगढ़ के एक निजी विद्यालय में परीक्षा फार्म भरने पहुंची तो कॉलेज प्रबंधन ने इसकी फीस बकाया होने के कारण इसे फार्म भरने से रोक दिया। बेटी सीधी पीजी कॉलेज पहुंची और मुंह में कलम दबाकर एक आवेदन लिखा और अपनी परेशानी से अवगत कराया। तब पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर निलय गोस्वामी ने दरिया दिली दिखाते हुए कॉलेज प्रबंधक को फटकार लगाई और फीस जमा करवाई। ये बच्ची मंजिश बघेल, उसने इसी कॉलेज से पिछले वर्ष ग्रेजुएशन किया है। बहुत होनहार नेक और बहुत भगवान की ऐसी नेक बंदी है कि वो दिव्यांग होने के बाद भी जो है उसके अंदर एक बड़ी ऊर्जा है, लगन है, पढ़ना चाहती है। दोनों हाथ और पैरों से विकलांग होने के बाद और मुंह से लिखकर उसमें ऐसी देवी शक्ति है कि वो कहीं से भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती। और मैं जहाँ तक ये महसूस करता हूँ कि जो खुद अपने आप में शरीर से कमज़ोर होने के बाद उनके अंदर भीतर ईश्वरीय ऊर्जा उन्हें इतने आगे बढ़ाने के लिए लालायित करती है, जो देश के हष्ट पुष्ट बच्चे हैं वो क्या नहीं कर सकते। और उस बच्ची के लिए हम सब और हमारे और आसपास के लोग जितना भी जहाँ भी गई है, चाहे हमारे पूर्व कलेक्टर साहब रहे हो, चाहे और भी जो लोग जिसके पास भी गई हो, यहाँ भी आई तो मैंने इसका एक कॉलेज में बीएड में एडमिशन करा दिया और उससे मैंने कहा कि इस बच्ची को किसी भी प्रकार से कठिनाई और परेशानी नहीं होना चाहिए, उसकी आंखों में आंसू ना आए, इसकी यथासंभव मदद करें। और मैं अपेक्षा और उम्मीद करता हूँ कि हम समाज के जितने भी बुद्धिजीवी लोग और संपन्न लोग हैं, न केवल मंजिश बघेल बगे इस तरह के बच्चे अगर हमारे समाज में कुछ बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, उनकी हम तन मन धन से सहयोग करें, उन्हें आगे पहुंचाएं, ये हमारा इस देश के कल्याण के लिए। अभी कौन सी क्लास में पढ़ रही है वो? अभी सर बीएड कर रही है, बीएड सेकेंड, बीएड फोर्थ सेम का एग्ज़ाम दे रही है। उसकी राइटिंग वगैरह आपने देखी है, बहुत से दिखती है, किस तरह की राइटिंग? नहीं, वो अभी लिख के गई है, एक एप्लीकेशन मुझे दे के गई है। महोदय जी, निवेदन है कि आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी बेटी पढ़ना चाहती है और मेरा सपना भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है। तो मैं चाहती हूँ कि हम जैसे लोगों की मदद आप लोग करते रहें, यही मैं चाहती हूँ। इतना लिखा तो मैंने उसको बना किया कि बेटा पहने दो, राइटिंग दिखाएं सर कैसी है। बहुत अच्छी उसकी राइटिंग है और ऐसे बच्चे जो हमारे एक नेक बच्चे हमारे समाज में और हमारे देश में हैं, मैं अपने और अपने जैसे और आप जैसे बुद्धिजीवियों से अपेक्षा करूँगा। आप तो हमेशा मदद करती आए हैं, बच्चे की बचपन से बता रही थी, बचपन से आपने उनको पढ़ाई लिखाई और उस पर बड़ा उसको संबल दिया। ना दिया होता तो शायद वो कॉलेज में नहीं आ पाती, तो कॉलेज में नहीं आती तो शायद वो आज बी एड भी नहीं कर पाती। और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन एक अच्छे पद पर जाए, उन लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रेरणा। दतिया से यूडी न्यूज के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।